एक नौजवान कांग्रेस से रिजाइन करता है और 1951 में जनसंघ की स्थापना करता है मित्रों, और 1952 में चुनाव होता है प्रथम लोकसभा के अंदर 3 सांसद प्रवेश करते हैं, सदन के अंदर चिल्लाते रहते हैं नेहरू से कि शेख अब्दुल्ला को रोको और वहां परमिट वीजा लेकर कोई नहीं प्रवेश करेगा, बिना परमिट और वीजा का प्रवेश होगा, नेहरू नहीं मानते हैं मित्रों। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सदन में कोई नहीं सुनता है तो सड़क पर उतरते हैं और मार्च करते हैं, रावी नदी के किनारे मई में गिरफ्तारी होती है मित्रों, और शेख अब्दुल्ला जम्मू में बंद करने के बजाय श्रीनगर में बंद करता है और 23 जून 1953 को नौजवान शहीद हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर बच गया, उसके बाद दूसरा यात्रा लेकर आगे बढ़ते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उस साइड में चित्र लगाए मित्रों, आज भी राजस्थान में इनकी पुस्तकें रखी गई है, इंटर के टॉप के विद्यार्थी, माता पिता के देहांत के बाद, नाना नानी के देहांत के बाद सिस्टर की सेवा करते हुए संघ की यात्रा किया शुरू किया मित्रों और जनसंघ की यात्रा को लेकर निकला। कांग्रेस की टूटी बोलती थी कोई सुनता नहीं था, लेकिन यह नौजवान एक विचारधारा लेकर निकला, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिलेगा समाज का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान नहीं होगा। और 1967 में आते आते मित्रों कांग्रेस का चूर हिला दिया और 6 प्रदेशों में कांग्रेस के चूर बन गए और लोहिया पैक के आधार पर मुख्यमंत्री जनसंघ और लोहिया पैक के आधार पर बने। लेकिन 68 में मोरलसरा के रेलवे स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी जाती है मित्र। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा लेकर आगे बढ़ते हैं मित्रों, देश के अंदर नेहरू भी नहीं खरीद पाते, इंदिरा भी नहीं झुका पाती है, राजीव भी नहीं झुका पाते हैं, वो नौजवान फटे हाल में आगे बढ़ता है और 96 में जनसंघ का विलय लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में होता है मित्रों, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय भी ऐसा प्रतिबंध लगा दोहरी सदस्यता के कारण, बीजेपी का 1980 में स्थापना होता है और स्थापना के बाद 50,000 से लेकर 60,000 नौजवानों का बॉम्बे में अधिवेशन होता है, जनता पार्टी के बाद नई पार्टी का निर्माण होता है, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी का उतार चढ़ाव लगा रहता है, 96 में देश का प्रधानमंत्री बनते हैं मित्रों और लोगों को गांव गरीब को पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव का विकास यदि किसी ने किया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया मित्रों। एक 2004 में मुलायम सिंह ने देश का कमर तोड़ दिया, 2004 का चुनाव वो चुनाव देश को हिला दिया मित्रों, और उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर बीजेपी अटक गई लोकसभा, उसके पीछे मात्र एक कारण था, मुलायम सिंह ने जाति तंत्र का सहारा लिया, धन तंत्र का सहारा लिया, लाठी तंत्र का सहारा लिया और मुस्लिम तुष्टीकरण का सहारा लेकर मित्रों बीजेपी को रोक दिया, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, सोनिया राज किया और 10 साल तक कांग्रेस ने बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया। कल्पना करिए सरकार बनने के बाद सोनिया ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, राम सेतु नहीं है हड़फनामा दिया, संघ वाले हिंदू आतंकवादी हैं, बीजेपी वाले राष्ट्रद्रोही हैं, दंगा करवाते हैं, ये रात 10 साल तक चिल्लाती रही मित्रों और गांव गरीब को लूटती रही और 1,76,000 का घोटाला, यानी जमीन के अंदर कोयला भी लूटा, आसमान को भी लूटा और जल में भी लूटा मित्रों और सड़क पर भी लूटा, एक काम किया कांग्रेस ने, लेकिन एक नौजवान अपने को बचा के रखा इस देश के अंदर, अपनी छवि को बचा कर, अपने को बचा कर रखा, मुख्यमंत्री के रूप में रहा एक चाय बेचने वाला और 2014 में प्रधानमंत्री के लिए उसकी घोषणा होती है मित्रों कि प्रधानमंत्री के रूप में भाई नरेंद्र मोदी की घोषणा होती है और चुनाव होता है, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होता है मित्रों,
अब प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी को बना दें। इसलिए विषय में रखा, आज जनसंघ न होता मित्रों तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को याद करता। आज दीवार में चुने गए गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे दीवार में न चुने जाते तो देश बचता। सरदार पटेल के विचारधारा को लेकर कौन चलेगा, महात्मा गांधी के विचारधारा को लेकर कौन चलेगा, सुभाष चंद्र के विचारधारा को लेकर कौन चलेगा, लोकमान्य तिलक के विचारधारा को आगे लेकर कौन चलेगा। इस धरती के अंदर, इस धरती पर कोई है पार्टियां मित्रों? बसपा से कल्पना कर सकते हैं, सपा से कल्पना कर सकते हैं, और ऐसा नेता आपने दिया है मित्रों हिंदुस्तान के अंदर, इस धरती पर मोदी जैसा दूसरा नेता पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात। मां से प्यार करते हैं लेकिन मां पीएफ हाउस में नहीं प्रवेश कर सकती है मित्रों, भाई से प्यार करते हैं सरकारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती है, बहन से प्यार करते हैं लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन पीएम हाउस में सीएम हाउस में आकर आप तक राखी नहीं बांध सकी मित्रों। सभी से प्यार करते हैं, कोई अधिकारी हिंदुस्तान का मिठाई का डिब्बा किसी त्योहार में नहीं लेकर आता मित्रों। एक एक गरीब का बेटा मुलायम सिंह संघर्ष किया है और मोदी का